बिना पार्ट सी एंड डी सबसे पहले ए एंड 32 फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 1, 2, 4 एंड 8 एंड 32 के फैक्टर्स 1, 32 16 टू द 32 एंड 4, 8 द 32 4 और 8 के में के बीच में 5, 6, 7 है और तीनों के ही टेबल में 32 नहीं आता है, राइट। तो यहाँ हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं, अब इसमें कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्योंकि छोटे नंबर्स होते हैं ना तो उसके बीच में हम फैक्टर्स कैसे निकाल लेते हैं कि ये नंबर किस किस के टेबल में आता है, राइट। ये नंबर किस किस के टेबल में आता है, वो सारे नंबर्स उसके फैक्टर्स होंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8 1, 2, 4 एंड 8 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, फिर सबसे बड़ा फैक्टर है 8। अभी हमने 12 का निकाला था, एक बार और देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसी तरीके से हम निकालते हैं 21 के, 1, 3, 7 एंड 21 कॉमन फैक्टर्स। आपको मालूम है 21 और 12 कौन कौन से टेबल में आते हैं, तो वो नंबर्स लिख लेने हैं। हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 3, 1 एंड 3 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इनमें, 3। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।